ज्ञान वाणी। इस वीडियो को बिल्कुल प्यार से शांत होकर सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाहत राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। और ध्यान बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति अपने 5 साल के पुत्र के साथ मंदिर गया। आरती का समय हो गया था, उसने भी आरती गाना आरंभ कर दिया। उसने देखा कि जब वह आरती गा रहा था तब उसका पुत्र भी कुछ गुनगुना रहा था। बाहर आकर उसने पुत्र से पूछा कि तुम्हें तो आरती आती नहीं है, फिर तुम क्या गुनगुना रहे थे? पुत्र ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मैंने तो कह खै गै घै पूरा सुना दिया और भगवान जी से बोला कि इन अक्षरों से अपने आप प्रार्थना बना लीजिए। दुनिया दिखावा देखती है, नियत नहीं, पर भगवान जी सिर्फ नियत देखते हैं, दिखावा नहीं देखते। और एक बार तुलसीदास जी से किसी ने सवाल किया, उनको पूछा कि कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाता हूँ, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि वह उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल जरूर मिलता है। तो ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, मैं जल्दी मिलने वाला हूँ अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारी अगली वीडियो देखने के लिए। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।